आज ही के दिन लियो जिलार्ड ने एटम बम के पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। मई 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके कुछ महीनों बाद ही लियो के दिमाग में ये बात आ गई थी कि न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन के जरिए एटॉमिक एनर्जी को नियंत्रित किया जा सकता है और इसका उपयोग बम बनाने में भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इससे हमें ऐसे ही और वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन द्वारा नए वीडियोज की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल करना न भूलें। 1993 में जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ गया तो लियो इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में रहने के दौरान ही उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर स्टडी की और अमेरिका के अलग अलग कॉलेज में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने जाने लगे। 1934 में आज ही के दिन लियो ने एटॉमिक बम के लिए पेटेंट फाइल किया। अपने पेटेंट में उन्होंने न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन के जरिए एटॉमिक बम बनाने की बात कही थी। कहा जाता है कि इस आइडिया को पेटेंट कराने का उद्देश्य एटम बम के गलत इस्तेमाल को रोकना था। लियो ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों से बात कर इस तकनीक को ब्रिटिश सीक्रेट लॉ के तहत गुप्त रखने की बात भी कही थी। 1940 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई और वे न्यूयॉर्क में रहने लगे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब लियो को लगा कि जर्मनी कहीं एटम बम न बना ले, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से जुड़ी हर किताब को दुकानों से हटा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक खत लिखा जिसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के जरिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का जिक्र था जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने सरकार से सहमति और वित्तीय मदद भी मांगी। रूजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी और पैसे भी दिए। लियो अपने काम में लग गए। उन्होंने चेन रिएक्शन के लिए जरूरी ग्रेफाइट और यूरेनियम इकट्ठा किया और 2 दिसंबर 1942 को पहली बार शिकागो यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।